कोरोना वायरस से संक्रमित हुए अमिताभ बच्चन मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी हालत स्थिर है और वे आइसोलेशन वार्ड में होने के बावजूद अपना डेली रूटीन जारी रख रहे हैं। एक्सटेंडेड फैमिली यानी फैंस, कलीग्स, पत्रकारों और दोस्तों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और अपने ब्लॉग को अपडेट कर रहे हैं। उनके रविवार को हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आज आएगी। रविवार रात उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, बर्थडे मनोज कुमार ओझा, तरन घंटासला, सोमवार 13 जुलाई दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं, हमेशा आप खुश रहें। इसके साथ ही बिग बी ने उनके लिए दुआ कर रहे फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय चाहने वालों अभिषेक, ऐश्वर्या, आराध्या और मेरे लिए आपकी चिंता, प्रार्थना और तेजी से रिकवरी के लिए शुभकामनाओं ने मुझे कृतज्ञता से भर दिया है। आप सभी का धन्यवाद। रविवार रात ट्विटर के जरिए उन्होंने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया था। नानावटी हॉस्पिटल की ओर से बताया गया कि अमिताभ और अभिषेक दोनों की हालत स्थिर है। दोनों आइसोलेशन वार्ड में अलग अलग कमरों में हैं और दोनों के लक्षण हल्के हैं। डॉक्टर कोरोना के साथ अमिताभ की पुरानी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हम आपको बता दें, शनिवार को शाम अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। दोनों खुद कार चलाकर नानावटी हॉस्पिटल पहुंचे थे। अमिताभ ने खुद ये जानकारी ट्विटर पर दी थी। अमिताभ ने लिखा था, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं, अस्पताल में भर्ती हो चुका हूं। मेरे परिवार और स्टाफ के लोगों का टेस्ट हुआ है, उनकी रिपोर्ट आने का हमें इंतजार है। पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से गुजारिश है कि वो अपना टेस्ट करा लें। बिग बी के खास दोस्त और अभिनेता धर्मेंद्र ने भी उनके लिए दुआ की है और भावुक पोस्ट में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। 84 साल के धर्मेंद्र ने इमोशनल होते हुए लिखा, अमित जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे तुम्हारे साहस पर भरोसा है छोटे भाई। इसके आगे वो बिग बी की पत्नी जया बच्चन को हिम्मत बंधाते हुए लिखते हैं, वे एक या दो दिन में ठीक हो जाएंगे। जया चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा मेरे बहादुर बच्चे। खुद पर और घर में मौजूद बाकी लोगों पर ध्यान दो, ढेर सारा प्यार, अपना ध्यान रखना। दोस्त, शोले, चुपके चुपके और राम बलराम जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। धर्मेंद्र हमेशा ही बिग बी से प्रभावित होने की बात कहते रहे हैं। 2016 में पत्नी हेमा मालिनी की म्यूजिकल एल्बम ड्रीम गर्ल की लॉन्चिंग के दौरान धर्मेंद्र ने अमिताभ को बॉलीवुड का इंजन बताया था। धर्मेंद्र ने कहा था, वे इंडस्ट्री के इंजन है, हर कोई उनके पीछे चल रहा है, वे कभी नहीं थकते। आज वे ये कह रहे हैं, कल कुछ और करेंगे, परसों कुछ और। धर्मेंद्र ने इसके आगे उनकी लंबी उम्र की दुआ की और कहा, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, वे मेरे छोटे भाई की तरह हैं, जो भी करते हैं वह हमारे लिए सबक होता है।